السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं अस्तादे किराम के तरफ मुतवज्जे हूँ और उनसे दो बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बच्चे जो हमारे और आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये कौम की अमानत है। हदीस में फरमाया गया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, कि तुम में से हर एक शख्स चरवाहा है, निगरा है, और हर चरवाहे से और निगरा से उनके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हैं, मल्ले साहब सब मौजूद हैं, सबको पढ़ाने वाले टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तालीम देना एक इबादत है, तालीम देना एक इबादत है, और इबादत जब आदमी करता है तो वो इस नीयत से करता है कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमारे इस अमल को ऊपर वाला कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमको इससे निजात मिले। ये बच्चे आपके पास अमानत है, इसमें किसी तरह की कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। अगर हम और आप इस बच्चे के मुस्तकबिल को संवारेंगे, उनको अच्छा बनाएंगे, तो आने वाला वक्त हमारे और आपके आने वाली नस्लों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला किसी को न किसी को पैदा कर देगा जो हमारी और आपकी नस्लों को सुधारने की कोशिश करेंगे। यही चंद बात थी। हमको और आपको अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक दे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती अल्फाज और दुआ